हाँ हाँ दवाई खा लेना टाइम पे, दवाई हाँ? दवाई खा लेना हाँ हाँ ना ओए, ओए, जान दादा से बात तो कर ले। जे आगे जलाने के लिए रखा, हम लोग ठंड में आए थे ना, तो आगे जल रही थी। चप्पल पहनो, कौन में वो धूला भरेगी। अरे जब पानी नहीं चला तो कहाँ निकलिए। क्या हो रहा भैया जी? हेलो एवरीवन, तो अभी देखिए हमने कल आप लोग को बताया था ना कि हम यहाँ पे अभी गांव आए हुए हैं और हम सब एक दिन के लिए आए हुए, आज हम चले जाएंगे। मतलब अभी ये काफी सुबह का टाइम है, यहाँ पे करीब 4 बजे सभी उठ जाते हैं। हम तो इतना बजे नहीं उठे थे और ना दादा दादी उठ पाए थे, एक दिन के लिए बस गए थे। दूसरे दिन हमारा वापस आने का था और हालात ही कुछ ऐसे थे। सो यहाँ से ना बहुत दूर से पानी भर के आना पड़ता है, तो मैंने कहा इन लोगों को पीने पाने का पानी ला के भर के रख देते हैं। अपनी तैयारी मेरे भी है ना, सबके मीठे लोग के रखे थे, तुम लोग के तो वहाँ रख लेंगे ना, इसी गाड़ी में डाल लेंगे। हाथ पकड़ के ले चलो बैग सर, इसका डुग्गू मुन्नू नहीं ले जा रहा है, जे ले चलो इसमें डाल ले बेटा, नहीं तो इसमें डाल ले। खा लिया दत्ता, बेचारे को खिलौना खिलौना ले, खिलौना तोते तो खिलौना तोते। पाँच छह घंटा लगा, 8 घंटा। चावल रखा है, आप भी खा लेना। हाँ सब्जी चावल रोटी पूरी पराठा रखा है, खा लेना होगा। अब जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं ना, ठीक है ना, जाया हो गया छोड़ने, भटक जाओगे फिर, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे ना मतलब कि दादी ने हम लोगों को बोले कि रुक जाओ, और पर नहीं रुक सकते, आपको रीजन भी पता है। सो हम अपने नहाने के लिए भी पानी वहीं से लेकर आए थे बहुत दूर से जाके, क्योंकि यहाँ पे पानी ही नहीं है, और सोचे भी ना तो यहाँ पे नीचे बोरिंग के लिए भी पानी नहीं है। और दादी की हालत मेरी ऐसी है ना कि बस अब क्या बोलूं, क्योंकि लास्ट समय है, उनका कहना तो नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर कुछ जो फैसले होते हैं वो मजबूरी में लिए होते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं यूँ बता दूँ, और यहाँ पे ना अभी आपको हस्बैंड मेरे ब्लॉग में कम ही देखेंगे, रीजन ये क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, है इस गांव में है, मतलब दूर है। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगी यहाँ पे कितना ज्यादा डस्ट है, एंड यहाँ पे हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो रात का खाना बहुत लेट बनाया था, और कुछ रोटी रोटी और पराठे ना अभी बना के रख दिए, तो बस फटाफट से, और ना डस्ट भी उड़नी थी तो मैंने भी फेस कवर कर लिया था ताकि जाते समय क्या हो वो ना लगे। और जाते समय ना उनको इतना रोना आ रहा था, और हाँ वैसे तो हमारा और था पर हमारी मजबूरी थी, ये आपको भी पता है, और ऐसे ब्लॉग तो बन नहीं पाता। तो मैंने ना ऐसे ढीले ढाले ही कपड़े लेके आई थी, और शिव को ना ऐसे मुंह हाथ धुला दिया था। वैसे शिव को तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, कहना चाहिए धूल में खेलना, उसको खेलना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। और जो देव है वो पापा लोग के पास चला गया था, मैंने कहा इसको लेते जाओ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अरे बहू की नहीं रे, नहीं ना जाओ, जब रिवर बेला होके जाया। हाँ दवाई खा लेना टाइम पे, दवाई हा? दवाई खा लेना हाँ हाँ ना खा ला, भूख धाय कहाँ जाते हैं, मीठी वॉशरूम तो धाय दादी को दे दिए है, दस्त की दे दी पूजा। हाँ, दवाई खा खा के यहाँ पे हाल, डॉक्टर भी यहाँ खा ले, हम नहा ले तो फिर खा ले साबुन। अबे तो कुछ दवाई का मम्मी तो मामा और अपनी थैला पकड़ सकती हूँ।
पूरी चप्पल का हाल, इसलिए तो मैं जूती पहन के आई थी बेटा। रोना ना, आते रहेंगे ऐसा ही, ठीक है? उदास ना हो होएगा। और अब आ जाओ जबलपुर और बिस्किट खा लेना, भी चाय बिस्किट भाई मंगा लेना, दत्ता भी मंगा लेना, दवाई मंगा लेना, आएगा भी डॉक्टर, दवाई वाई ले लेना आएंगे तो, और बिस्किट बिस्किट खा लेना, हाँ रोए ना हो गया। और अब जल्दी व्यवस्था, मीठी आंखी पोछो उनके, आंसू पोछो, नहीं हो तो आ जाओ, आंसू पोछो उनके, जाके आंसू पोछ दो ना, आंसू पोछ दो ना, ले मेरी बना, मैं आंसू पोछ दूँ, रोए ना हो गया, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, रख दो। हो गया ना, जाओ, दिखाई ना देगा, ना चल पाओगी। चावल को तल दे दादी, मिठी जी पकड़ ले बेटा, चलो। हाँ ठीक है, जा रहे हैं, बाय होएगा। बाय बाय, खाना खा लेना, अच्छा मुझे चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि देखिए ये बुजुर्ग हैं, अब जैसे ही हम जा रहे हैं ना तो वहाँ से और भी लोग हैं जो इनके पास रुकने आएंगे और दादी अब वापस से यहीं पे आ जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर ने जो है उनको साफ साफ बोला हुआ, साफ साफ मना किया है इनको डॉक्टर ने कि अब इनको अकेले छोड़ने लायक नहीं है, कोई ना कोई आके इनको लेके जाओ, तो देखते हैं। और ये सारी ये देखिए ये सी ना कुलिया में कंक्रीट बन रही थी, यही चीज़ मैं आप लोग को दिखा रही, तो बस ये कमरा है ना तो यहीं पे ये लोग ठहरे हुए हैं, बार बार आना जाना मैंने मना किया था कि बार बार आओ जाओ नहीं, और सुबह के 7 बजे ऐसा लग रहा है सुबह के 2 बज दोपहर के 2 बज रहे हैं, सूरज इतना ज्यादा वो निकल गया था, तो यहाँ पे एक दोरी घर बने हुए थे ना जो कि ये जो इस पे रहते हैं ना ये लोग, देखिए तो इधर पे धूल डस्ट ज्यादा नहीं है तो बस ये लोग यहीं पे बैठे थे। उसके बाद ना यहाँ पे क्या है कि ऑटो बस वगैरह, ऑटो नहीं चलती है, बस चलती है या सोमो या फिर ऐसी कोई ब्लोरो या फिर ऐसी कोई गाड़ियां चलती है, ऑटो वगैरह नहीं चलते क्योंकि गाँव है, गाँव बहुत अंदर में है, तो हम यहाँ पे ना एक झोपड़िया है वहां पे रुक गए थे, छोटी सी कुछ किस चीज की दुकान थी, और मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि बस हमारा मजबूरी में जाना था और हम किसी कारण हमारा मजबूरी में आना है। एनीवे यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद ना हमें बड़ी मुश्किलों के बाद एक वो मिली थी, क्या बोलते ओला टाइप की गाड़ी थी, ओला नहीं चलती है पर ओला टाइप की गाड़ी थी, और देखिए यहाँ पे ये बांध है पता नहीं कौन सा है, सो ये आगे बैठे हुए थे, और मतलब कहना चाहिए यहाँ की रोड भी इतनी खराब थी कि आगे चल के गाड़ी ही खराब हो गई थी, तो हमें बहुत ज्यादा मतलब फिर घंटे खड़े रहना पड़ा। अच्छा हुआ कि हम इतने दिन की दवाइयां लेके गए थे, वैसे तो दवाइयां जो है एक्स्ट्रा में रखे ही ले जाते हैं कहीं पे भी, और घना जंगल था ये, आप देखिए यहाँ पे ना कई बार चेतावनियां भी दी गई थी कि यहाँ पे बाघ शेर पता नहीं क्या क्या उतर सकते हैं, ऐसा चेतावनी में दिया हुआ था, तो भोले बाबा बस आप हमारी रक्षा कीजिएगा और हम बस अच्छे अच्छे घर से निकल जाएं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ना गाड़ी ही खराब हो गई थी, सो फिर हम एक जगह थोड़ा सा वेट किया हमने कि शायद गाड़ी सुधर जाएगी, ये यहाँ से लेके हमें रीवा तक जाना था, पर रीवा के पहले ही गाड़ी सुधर गई। अच्छा हुआ ये, शुक्र है कि कहीं बीच जंगल में गाड़ी नहीं बिगड़ी जिनकी भी गाड़ी में हम गए थे, नहीं तो पता नहीं क्या हाल हो रहा होता। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या हाल हुआ है गाड़ी का, ये ना देखिए पूरे खुलने लायक थी, तो बस उन्होंने कहा कि अब आप उतर जाइए, अब नहीं जाएगी, फिर हम पता नहीं ट्रक बस किस किस चीज में आए सिर्फ हम ही जानते हैं। तो हमें आगे ना फाइनली थोड़ी दूर में आके बस मिली, क्योंकि जो गांव होता है ना, एक गांव अभी भी विकास हो चुका पर कुछ गांव अभी भी गांव में विकास नहीं है, सो यहाँ पे शिव को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, पर जैसे तैसे मैंने उसको चुप कराया, और हस्बैंड और देव जो वो पीछे बैठे हुए, अभी मैं आप लोग को बताऊंगी
और ये है ना कि मिलके हम आ गए तो ये ठीक है ना, वरना बाद में फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, ये ना ये तो सिस्टर की बेटी बैठी हुई, उसी के पास देव बैठा हुआ है, और उसको पता ज्यादातर अच्छा ट्रेन में, बस में और ये घूमने में बहुत अच्छा लगता। और ये देखिए, ये पीछे बैठे हुए हैं अकेले। एक्चुअली मास्क ना इनका काफी ज्यादा डस्ट भरा हो गया था, तो फिर उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। हम नहाए धोए और फिर हम निकल गए थे। तो शिव की अब काफी गहरी नींद लग गई है, तो अभी ये करीब आधा एक घंटा सोएगा आराम से। और मुझे भी नींद आ रही थी क्योंकि देखिए जगह चेंज होती तो नींद नहीं आती। और दादाजी की तबीयत का है तो आपने देखा ही कैसा उनका रो के बुरा हाल था। मेरे दादाजी लगी रहते कि एकदम रो देंगे, क्योंकि देखिए काफी दिनों के बाद जाना आना ना वो हो जाता है। तो हम सुबह के खा के निकले थे, तो हमें करीब 3 बज गया था। और मैं शिव को फीड कराती हूँ ना बार बार, तो मुझे बार बार भूख लगती, तो हमने सिंपल से यहाँ पे थाली ली थी। और मुझे देखिए, मेरे खाने का तरीका आप देख सकते हैं, मुझे इतनी जोर से भूख लगी थी ना कि सब कुछ खा जाऊंगी। और फिर देव को ही मैं खिला रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था खाना, उसको कह रहा था मम्मी मुझे माजा या पानी बस पीना है, फ्रूटी वगैरह ऐसा कुछ। तो इन्होंने दाल और रोटी खाई थी, और मैंने ऐसा है कि थाली थी 60 रुपए वाली थाली, इसमें दाल चावल सब्जी। और ये खाना जो है ना, मतलब हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तब तो वहाँ पे खाते हैं, मतलब वो कैंटीन में खाते हैं, कैंटीन में थोड़ा सा साफ खाना मिलता है। ढाबे में मैं दूसरी या तीसरी बार खा रही होंगी ट्रांसप्लांट के बाद से, बट ठीक है, क्या कर सकते थे, ऐसा कुछ खाना भी हम नहीं लेकर आए थे। और शिव को सो ही रहा था एक हाथ से, आपने देखा, मैं उसको पकड़ी ही रही, जब नहाई भी हूँ तो भी पकड़ी थी, पूरे सफर में आई तो भी अकेले पकड़ी थी। पर ठीक है, अब हम बस घर पहुंच जाएं। और आज आप लोगों से यही कहेंगे, बस इन लोगों के लिए प्रे करिएगा कि ठीक है, लास्ट समय चल रहा है और भगवान इनको अच्छे से रखें, स्वस्थ रहें। ये लोग भी खाना नहीं खाए, तो मैं पोहा वगैरह लेकर गई थी, तो कहते हैं कि पोहा ना गीला करके और वो लोग खा लेंगे ऐसे शक्कर या नमक मिला के। यहाँ पे खाने पीने के बाद देखिए मेरी हालत डाउन हो गई थी। डाउन इसलिए हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर वाली थी। और यहाँ पे ना चलिए